चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते। मैं विजय और मैं वीरेंद्र अपने सभी दोस्तों साथियों का आज की गीतों भरी शाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज के शो का उन्मान है अनसंग मास्टर्स। जी वीरेंद्र भाई, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे दर्शकों को हिंदी फिल्म के कुछ कामयाब और मशहूर संगीतकारों के नाम बताएं। जी, मेरे विचार से गोल्डन एरा में नौशाद साहब, एसडी बर्मन, शंकर जय किशन, ओपी नैयर, मदन मोहन जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने काफी शोहरत पाई। जी दोस्तों, शायद हम सभी हिट फिल्मों और अवार्ड्स को सफलता का पैमाना मानते हैं, मगर आज हम कुछ ऐसे संगीतकारों की चर्चा करने वाले हैं जो बहुत गुणी थे, मगर इन्हें कुछ ही फिल्मों का संगीत बनाने का मौका मिला जिसमें बी ग्रेड फिल्में अधिक होती थी। उन फिल्मों को बहुत सफलता नहीं मिली,
मगर इन फिल्मों के गीत हिट रहे और आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें वो शोहरत और मर्तबा नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। आइए वीरेन भाई, आज हम इन संगीतकारों के कुछ अमर गीत प्रस्तुत करते हैं और दर्शकों को इनकी याद ताज़ा कराते हैं। वीरेन भाई, इस माला के पहले मोती के बारे में कुछ बताएं। जी जरूर दोस्तों, आज के हमारे पहले संगीतकार हैं दान सिंह जी। दान सिंह जी का जन्म 1927 में जयपुर में हुआ। शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से की। 1943 में बॉम्बे चले गए। इन्होंने वहां संगीतकार खेमचंद प्रकाश को अपना गुरु मानकर उनके असिस्टेंट का काम किया। 1960 और 70 के दशक में कुछ फिल्मों में काम मिला। मुकेश इनके बहुत प्रिय सिंगर थे। एक फिल्म थी माय लव, उसके दो गीत वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, और जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है। इन गीतों के लिए मुकेश जी ने एक बार कहा था कि इन गीतों के संगीतकार को उनके जाने के बाद याद रखा जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही साबित भी हुई। दान सिंह जी फिल्मी दुनिया में और उसके माहौल को अपने को नहीं ढाल सके और जयपुर लौट आए। साथियों, आइए आज दान सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए हमने अजीज विजय भाई से सुनते हैं फिल्म माई लव का एक बेहद रूमानी गीत, जिसे गाया है मुकेश जी ने और लिखा है आनंद बख्शी ने। जिक्र होता है जब कयामत का। विजय भाई प्लीज। जी जरूर। जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबा कैसे, के बने ये जुबा नजर कैसे, ना जुबा को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है। आए मुस्कुराती हुई तो बिखर जाए हर तरफ कलियां, तू चली जाए उठ के पहलू से तो उजड़ जाए फूलों की गलियां। जिस तरफ होती है नजर तेरी उस तरफ कायनात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है।
तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब विजय भाई, बहुत खूब। क्या लिखा है लिखने वाले ने, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जी दोस्तों, आइए आज शाम की माला के दूसरे मोती को याद करते हैं। तलत महमूद जी का गीत ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, और मुकेश जी का एक अमर गीत सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। ये गीत आपको किस संगीतकार की याद दिलाते हैं, मैं बताता हूँ, सरदार मलिक जी की। हमारे आज के दूसरे संगीतकार इन गीतों के रचयिता सरदार मलिक जी, जिनका पूरा नाम है इसरार सरदार मलिक। इनका जन्म 1925 को कपूरथला पंजाब में हुआ। नृत्य के साथ साथ एक गुणी गायक और संगीतकार भी थे। सरदार मलिक जी को 1947 की फिल्म रेणुका से पहला ब्रेक मिला। इनकी यादगार फिल्में हैं बचपन और सारंगा। इस सुरीले संगीतकार को आज लोग केवल इनके मशहूर संगीतकार अनु मलिक जी के पिता के रूप में ही जानते हैं, जो इनके पुत्र हैं। आइए वीरेंद्र जी भाई से सुनते हैं सरदार मलिक जी के संगीत निर्देशन में फिल्म बचपन का रफ़ी साहब का गाया खूबसूरत रोमानी गीत मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। जी वीरेंद्र भाई। विजय भाई, इस गीत के बारे में मैं एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा। 1970 के दशक के पास एक सर्वे हुआ था और उसमें रफी साहब के कुछ 10 चुनिंदा गीतों की बात हुई थी। ये गीत उन 10 चुनिंदा गीतों में शामिल है। जी दूसरी बात कि ये फिल्म बचपन से था, ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन अफसोस वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। जी तो पेश करता हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्वाबों की शहजादी जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या खिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो, तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई से
नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। जमाना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर। मोहब्बत चांद ऐसा है कभी जो कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। थैंक यू। वाह वाह, क्या रोमानी अंदाज है, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू विजय भाई। दोस्तों, सरदार मलिक बेहद टैलेंटिंग होते हुए भी 50 के दशक से शंकर जयकिशन और नौशाद के एरा में इन्हें बी क्लास फिल्मों में ही संगीत देने का मौका मिला। 1964 की फिल्म 5 रत्न इनकी आखिरी फिल्म थी और इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया में इनको भुला दिया। 1960 के दशक से शुरू में रिलीज हुई फिल्म सारंगा में मुकेश जी के साथ ने गाया गीत सारंगा तेरी याद में और हाँ दीवाना हूं मैं इनकी सर्वोत्तम रचनाएं हैं। तो आइए सुनते हैं विजय भाई से फिल्म सारंगा का अमर गीत सारंगा तेरी याद में। जी विजय भाई। जी जरूर विन भाई। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ था कि सरदार मलिक जी को लोग सारंगा मैन कहते थे। मैं गीत पेश करता हूं। तेरी याद में सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, ओ सारंगा तेरी याद में वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छांव, वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छांव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव,
हो सारंगा तेरी याद में संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओ जल सुख ले के दुख दे गई सुख ले के दुख दे गई दो अखियां चंचल हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो सारंगा तेरी याद में थैंक यू वेरी मच बहुत खूब क्या दर्द है विजय भाई क्या दर्द से गाया है बहुत खूब विजय भाई जी थैंक यू दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे अगले संगीतकार हैं दत्ता नायक जी जिनको एन दत्ता के नाम से जानते हैं इनका जन्म गोवा के एक छोटे से गांव में 1927 को हुआ था 13 साल की उम्र में ये बम्बई आ गए और संगीत की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की एसडी बर्मन साहब ने इनकी प्रतिभा को देख के इन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया फिल्म प्यासा की सफलता के बाद साहिर साहब और बर्मन दादा अलग अलग हो गए तो साहिर साहब एन दत्ता जी के साथ बी आर चोपड़ा कैंप से जुड़ गए इस जोड़ी ने एक के बाद एक तीन फिल्में साधना धूल का फूल और धर्मपुत्र पेश की जिनके गीत आज भी हमारे जहन में बसते हैं दोस्तों धर्मपुत्र के बाद चोपड़ा साहब की फिल्मों में रवि जी संगीत देने लगे थे और दत्ता जी बाहर हो गए चोपड़ा कैंप से अलग होकर एन दत्ता जी को बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिली और केवल बी और सी ग्रेड की फिल्मों से इन्हें संतोष करना पड़ा इतने यादगार गीतों के रचयिता ने 1987 में गुमनामी में इस दुनिया को अलविदा कहा दोस्तों इन्हीं भावों में लिपटा हुआ एक गीत 1956 की फिल्म चंद्रकांता से जिसे रफ़ी साहब ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया है आइए दत्ता नायक जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए वीरेंद्र भाई की आवाज़ में सुनते हैं ये बेहतरीन गीत मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी आइए वीरेंद्र भाई जी जरूर बहुत खूबसूरत गीत है पेश करता हूँ चांद और सितारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ न मिला मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी मैं
मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की। किसी गेसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं। किसी गेसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं। रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी। आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी। आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी। जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले। प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले। चैन चाहा तो मंडते हुए तूफान मिले। चैन चाहा तो मंडते हुए तूफान मिले। डूबते दिल ने किनारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। थैंक यू। बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्या बात है रफी साहब की आवाज में और वीरेंद्र भाई के अंदाज में। थैंक यू विजय भाई। दोस्तों हिंदी फिल्मों में जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद
उषा खन्ना सबसे सफल महिला संगीतकार रही हैं। 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना के पिता मनोहर खन्ना एक गजलकार और एक कंपोजर भी थे। 1940 के मध्य में वो बंबई शिफ्ट हो गए। इन्होंने जावेद अनवर के नाम से फिल्मों में गजल लिखी। उषा खन्ना जी ने अपने पिता के साथ कुछ कंपोजिशन भी बनाई। उषा खन्ना बेसिकली अपने कैरियर को एज ए सिंगर स्टेब्लिश करना चाहती थी, परंतु ऐसा हो नहीं सका। शशिधर मुखर्जी ने 1959 में अपनी एक फिल्म दिल दे के देखो में इन्हें एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर का ब्रेक दिया। इस फिल्म के 10 गाने थे जो बहुत हिट हुए। उषा खन्ना जी की 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी के गीत भी बहुत हिट हुए। लगातार 2 फिल्मों में हिट गाने देने के बाद भी उषा खन्ना जी को बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ही सफलता मिली और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिल्म दादा के गीत दिल के टुकड़े टुकड़े करके इन्हें 1985-83 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म इंडस्ट्री में उषा खन्ना जी को और उनके टैलेंट को वो मर्तबा नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ये आज भी संगीत के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। आइए फिल्म लाल बंगला से मुकेश जी का गाया हुआ एक रोमानी गीत चांद को क्या मालूम सुनते हैं विजय भाई की आवाज में। विजय भाई जी जरूर। वो बेचारा दूर से देखे
इशारा, दूर से देखे करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चको। ओ थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर विजय भाई। एक बात इस समय मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समय का यह गीत था उस वक्त चांद को नहीं पता होता था उसे कौन सा चकोर चारा है, लेकिन आज के समय में चांद को बिल्कुल मालूम है उसको एक साथ कितने चकोर चारे होते हैं। इंटरनेट का जमाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे अगले संगीतकार हैं गुरशरण सिंह कोहली जी, यानी जीएस कोहली। इनका जन्म 1928 में पंजाब में हुआ। ये एक बेहतरीन ढोलक वादक थे। इन्होंने ओपी नैयर साहब के सहायक के रूप में 1952 से 1968 तक काम किया। इनकी निर्देश संगीत निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी 1960 की फिल्म लंबे हाथ। कोहली जी को भी संगीत देने के लिए अधिकतर बी और सी ग्रेड की फिल्में ही मिली। इनकी संगीत निर्देशित 1963 में रिलीज हुई फिल्म शिकारी के युगल गीत अगर मैं पूछूं जवाब दोगे और तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, आज भी बहुत पॉपुलर हैं। इन गीतों को सुन के आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे गीतों को बनाने वाले संगीतकार को फिल्म इंडस्ट्री में सफलता क्यों नहीं मिली। आइए जीएस कोहली जी का एक फिल्म एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड से, जिसे रफ़ी साहब ने अपनी बेमिसाल आवाज़ में गाया है, सुनते हैं वीरेंद्र भाई के रोमानी अंदाज में। गाने के बोल हैं माना मेरे हसीन सनम, बहुत सुंदर गाना है। आइए वीरेंद्र भाई। जी जी पेश करता हूँ। मेरे हसी सनम तू रश्के माहताब है पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम तू रश्के माहताब है पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम से यूं न देखिए जर्रा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए जर्रा हुआ तो क्या हुआ, जर्रा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जान मन जर्रा भी आफताब है पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम शबाब का शुरू छाया जो दो जहान पर, तेरे
शबाब का सुरू छाया जो दो जहान पर, छाया जो दो जहान पर, मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम तू रश्के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। थैंक यू। वाह वाह, जवाब नहीं साहब, बहुत सुंदर। वैसे सनम अक्सर रश्के मेहताबी होते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी फिल्म संगीत में कई संगीतकार ऐसे हुए जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, मगर उन्हें वो मकाम, वो रुतबा नहीं हासिल हुआ। इस श्रृंखला में हमारे अगले संगीतकार हैं दत्ताराम वाडकर। दत्ताराम एक बहुत उत्कृष्ट तबला वादक और संगीत निर्देशक और एक म्यूजिक अरेंजर थे। 1929 में गोवा में जन्मे दत्ताराम 1942 में बंबई आ गए। दत्ताराम को जिम में जाने का शौक था। जिम में उनकी मुलाकात शंकर जयकिशन के शंकर जी से हुई और वहां एक तबला रखा हुआ था, शंकर जी उस तबले को बजा रहे थे। वहां से दत्ताराम साहब को भी तबला बजाने की सोची और वो शंकर के साथ जुड़ गए। उन्हीं के साथ वो तबला बजाते रहे। बाद में वो शंकर जयकिशन के साथ तबला और ढोलक बजाने लगे। उन्होंने 40 वर्षों तक शंकर जयकिशन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। इनका बजाया हुआ तबला आप फिल्म 420 के गीत मुड़ मुड़ के ना देख मुर्गी के जी। और इनकी ढपली का जादू, दिल का हाल सुने दिलवाला, और मेरा नाम राजू घराना है नाम, आप बखूबी सुन सकते हैं। इनकी फिल्मों के गीत बहुत सराए गए, फिर भी इन्हें बी एंड सी ग्रेड की फिल्मों में ही काम मिला। दत्ताराम साहब ने अपने कैरियर में केवल 20 फिल्मों में संगीत दिया। आर्थिक तंगी के चलते दत्ताराम अपने मूल गांव गोवा चले गए। 78 साल की उम्र में 2007 में दुनिया को अलविदा कहा। आइए इस विलक्षण प्रतिभा के धनी दत्ताराम के जीवन का एक बेहतरीन गीत 1958 की फिल्म परवरिश से, आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, विजय भाई से सुनते हैं। विजय भाई प्लीज। जी जरूर, ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मैं पेश करता हूं। आशा है हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। सुनिए इरशाद। जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आंसू भरी है वादे भुला दे कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे कसम तोड़ दे वो,
हमें छोड़ दे वो ऐसे जहाँ से क्यों हम दिल लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, उन्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर विजय भाई, बहुत सुंदर। थैंक यू। दर्द के बादशाह मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत आपने भी उसी दर्द भरे अंदाज में गाया है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। दोस्तों, इस श्रृंखला में हमारे अगले संगीतकार हैं सोनी कोमी जी, जो एक चाचा भतीजे की जोड़ी है, चाचा मनोहर लाल सोनिक और भतीजे ओम प्रकाश शर्मा। इनका जन्म स्थान सियालकोट, और ये पार्टीशन के बाद दिल्ली आ गए थे। मास्टर सोनिक बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड थे। 1948 में सोनिक अपने भतीजे के साथ बम्बई आ गए। इनके संगीत निर्देशन की शुरुआती फिल्में नहीं चली, सफल नहीं हुई, इस कारण उस समय इन्हें काम नहीं मिल रहे थे। इन हालातों में इन्होंने अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ म्यूजिक अरेंजर का काम किया। इस जोड़ी को पहला बड़ा ब्रेक बीएल रावल साहब ने अपनी फिल्म दिल ने फिर याद किया उसमें दिया, आपको याद है, इसमें धर्मेंद्र और नूतन थे। इस फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ, मगर फिर भी इन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिल सकी। आइए वीरेंद्र भाई की आवाज़ में सुनते हैं सोनी कोमी जी के संगीत निर्देशन में फिल्म दिल ने फिर याद किया का रफ़ी साहब का गाया हुआ बेमिसाल गीत, जिसके बोल हैं, कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे ठौरा डोले। आइए वीरेंद्र भाई। जी ज़रूर, पेश करता हूँ। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले, जब तू चमन में आए हर गुंजा मुस्कुराए, जब तू चमन में आए हर गुंजा मुस्कुराए, है बेहिजाब तेरा शबाब हम हो गए दीवाने, लो आया प्यार का मौसम तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले,
है, हर सू तेरा नशा है, हर जर्रा पी रहा है, हर सू तेरा नशा है, हर जर्रा पी रहा है, तू आफताब जाने शराब रोशन हुए मैं खाने, लो आया प्यार का मौसम विसाले यार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले, ओ है जाने बहार आ जा दिल के करार आ जा, जाने बहार आ जा दिल के करार आ जा, ये शब ये ख्वाब ये महताब अब तो लग तड़पाने, लो आया प्यार का मौसम मेरे दिल दार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम गुलो गुल जार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। धर्मेंद्र और नूतन जी की याद ताजा हो गई। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गाया आपने, बेहतरीन। दोस्तों, अनसंग मास्टर्स की माला के अगले मोती हैं श्याम जी घनश्याम जी। फिल्मी दुनिया के संगीतकारों की अन्य जोड़ियों की तरह ये दो कलाकारों की जोड़ी नहीं थी, बल्कि केवल एक ही शख्सियत का नाम था। ये श्याम जी के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। इस डबल नाम के बारे में उन्होंने रेडियो पर जयमाला कार्यक्रम में बताया था कि पहले श्याम, फिर घनश्याम और बाद में श्याम जी घनश्याम जी। इनको नामों को रखकर इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और मगर सफलता मिली श्याम जी घनश्याम जी के नाम से। 1967 में बंबई आ गए और किसी तरह बर्मन दास से मिले और गाना गाने की इच्छा जाहिर की। दादा ने इनका गाना सुना और पूछा कि ये कंपोजिशन किसकी हैं, तो श्याम जी ने बताया कि ये उनकी अपनी खुद की कंपोजिशंस हैं। दादा से बहुत तारीफ मिली। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना म्यूजिक डायरेक्शन के फील्ड में ही अपनी किस्मत को आजमाया जाए। एक फिल्म बनाने का मौका, फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म के दो गीत रिकॉर्ड भी किए गए मगर किसी कारण से फिल्म का निर्माण नहीं हो सका। 1970 में श्याम जी को प्रोड्यूसर सरोन सिंह ने श्याम जी घनश्याम जी के नाम से अपनी फिल्म ठोकर में ब्रेक दिया। ये फिल्म इनके कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म का अमर गीत ढूंढता हूं जिनको रातों के ख्यालों में, आइए सुनते हैं विजय भाई से। और इस गाने को लिखा है साजन देहलवी जी ने। विजय भाई प्लीज। जी जरूर, मुकेश जी का एक बेहतरीन गाना है, पेश करता हूं। मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, Thank you.
रूहानी प्यार की बातें मेरे दिलदार की बातें। कभी इकरार की बातें कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन छालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। वो मुझको मिल सके ना, वो मुझको मिल सके ना, सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह विजय, आपने तो पूरा दिल खोल के रख दिया। क्या गाया। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, श्याम जी घनश्याम जी की कुछ और बातें शेयर करते हैं। इनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। हुआ यूँ, श्याम जी एक फिल्मी पार्टी में गए। वहाँ श्याम जी की नज़र एक बेहद खूबसूरत हसीना पे पड़ी और उन्हें एकटक निहारते रहे, मंत्रमुग्ध हो गए। श्याम जी के जहन में कुछ बोल उभरे और एक धुन पैदा हुई। लौट के म्यूज़िक रूम में आ गए और 10-15 मिनट में एक सुंदर सी धुन बना डाली। फिर अपने दोस्त साजन दहलवी साहब से बाकी गीत लिखवाया और ये गीत पूरा हो गया। जानना चाहेंगे ये गीत कौन सा है? ये गीत है रफ़ी साहब का गाया हुआ, बहुत पॉपुलर गाना है। अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है तुझे जी भर के प्यार करूं। फिल्म ठोकर का ये गीत, जिसे रफ़ी साहब ने बहुत रोमानी अंदाज में गाया है, सुनते हैं अपने भाई वीरेंद्र जी से। आइए वीरेंद्र भाई। जी ज़रूर। अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार करूं। जी में आता है के जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसाकर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी
मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है के जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। आ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है के जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है के जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू। वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है वो हसीना वाकई बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों अब हम आपको याद दिलाते हैं उस संगीतकार की जिसे एमेरिटस कंपोजर का नाम दिया गया था। जी हाँ, ये हैं श्रीनाथ त्रिपाठी, जिन्हें हम एसएन त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। 1912 में बनारस में जन्मे इस संगीतकार को 50 और 60 के दशक में अमर गीतों की रचना की इस संगीतकार ने। इन्होंने 1939 में फिल्म चंदन से इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया। त्रिपाठी जी ने होमियोवाडी प्रोडक्शन हाउस में अनेक माइथोलॉजिकल फिल्मों में संगीत दिया। 50 के दशक में माइथोलॉजिकल फिल्में की जगह हिस्टोरिकल और पीरियड फिल्में आने लगी। इनके संगीत की बनाई हुई फिल्म हातिम ताई के साथ एक बहुत दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। इस फिल्म को देखने निजाम हैदराबाद अपने परिवार के साथ आए हुए थे और इस फिल्म में रफी साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना है परवरदिगार आलम। इस गीत को निजाम साहब ने फिल्म रुकवाकर 12 बार फिल्म में थिएटर में गाना चलवाया था। इनके संगीत से सजी फिल्म जन्म जन्म के फेरे, उनके गाने जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, कौन भूल सकता है, और उस वर्ष के गीतमाला के टॉप पोजीशन पर यह गाना रहा। फिल्म लाल किला की दो गजलें जो बहादुर शाह जफर की लिखी हुई थीं, किसी की आंख का नूर हूं किसी के दिल का ना किसी के दिल का करार हूं, और लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में
कौन भूल सकता है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीतों की संगीत को। अपने पीछे संगीत का बेशुमार खजाना और दौलत छोड़कर इन्होंने 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म रानी रूपमती से मुकेश जी का गाया गीत आ लौट के आजा मेरे मीत इनकी सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। आइए इस गीत को विजय भाई की आवाज में सुनने की मैं गुजारिश करता हूं। जी जरूर विजय भाई, प्लीज। जी, ये गीत मैं सभी अनसंग मास्टर्स को डेडिकेट करता हूं। आशा करता हूं हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। मैं गीत पेश करता हूं। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ जा मेरे मीत, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे से नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, एक पल का रोना कैसा है जीवन का खेला। एक पल का हंसना एक पल का रोना कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरे
मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रस्तुति विजय भाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हम आज शाम की अंतिम पादान पर आ पहुंचे हैं और आज के अंतिम संगीतकार हैं जयदेव जी। आइए जयदेव जी की संगीत यात्रा की चर्चा करते हैं। इनका जन्म नैरोबी जो कि केन्या में है उनमें 1918 में हुआ और इनका बचपन लुधियाना में गुजरा। बचपन से सिंगर एक्टर बनने का सपना था। जयदेव जी 15 वर्ष की आयु में बम्बई पहुंच गए। कुछ समय बाद ही एसडी बर्मन साहब के असिस्टेंट बन गए। उस समय बर्मन दादा की फिल्म 9-2-11, काला पानी, चलती का नाम, गाड़ी में जयदेव जी ने बेमिसाल गाने बनाए। मगर इन्हें पहचान मिली फिल्म हम दोनों से। साथियों, जयदेव जी ने कुल 37 फिल्मों में ही संगीत दिया। इनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं हम दोनों, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, घरौंदा और गमन। जयदेव जी को 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जयदेव जी 3 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले संगीत निर्देशक हैं। साथियों, जयदेव जी को अक्सर लो बजट फिल्मों का म्यूज़िक डायरेक्टर कहा जाता था। इन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। बॉम्बे में अकेले एक छोटी सी अकोमोडेशन में पेइंग गेस्ट की तरह रहे। दोस्तों, जयदेव जी की ज़िंदगी पर इनका एक अपना गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया बहुत फिट बैठता है। मगर आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं वीरेन जी से इसी फिल्म हम दोनों का, साहिर साहब का लिखा, रफ़ी साहब का गाया हुआ सदाबहार गीत सुनाने की गुजारिश करूंगा, जिसके बोल हैं मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आइए वीरेन भाई। जी जी, पेश करता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं मैं उड़ाऊं। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं मैं उड़ाता चला गया। थैंक यू। वाह वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल जिंदगी का बेहतरीन अंदाज। थैंक यू विजय भाई। दोस्तों, आज हमने हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसे मौसीकारों की चर्चा की और उनके कुछ चुनिंदा गीतों के साथ हम आपसे रूबरू हुए। ये संगीतकार बहुत गुणी और प्रतिभावान थे, मगर इन्हें वो पहचान और वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, और उनकी गिनती प्रथम पंक्ति में कभी नहीं हो सकी। इन संगीतकारों ने अपने अंतिम दिन गुमनामी के अंधेरों में गुजारे, और उनके जाने के बाद संगीत के गलियारों में इनकी स्मृतियां भी धूमिल हो गईं। साथियों, आशा करते हैं हिंदी संगीत जगत की इन विभूतियों की याद ताजा कराने का हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने, अपना कीमती समय देने और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।